पहले समझने की जरूरत यह है कंपनी होती क्या है। स्कीमों में पैसा लगा देते हैं, हमें बोला जाता है 1 लाख का 2 लाख करेंगे, हम बोलते हैं ले जा, पर वो ले जाता है भाई ले गया। जैसे लोग वो स्कीम है, ये कंपनी है। अब निर्मा वार्षिक पाउडर चल रहा है आज की डेट में, मैं छोटा सा था वो जब वो गुड़िया से निर्मा वार्षिक पाउडर पता नहीं कितनी बड़ी होगी, उसके बच्चे भी हो गए। तो आज की डेट में निर्मा वार्षिक पाउडर चल रहा है क्या? बाकी कंपनी कोई कंपनी नहीं भागती, बथेरा मुझसे समझाना पड़ता था। एक बंदे को प्लान समझाने के लिए चला गया, अरे बोला कंपनी भागी तो, मैं क्या नहीं भागेगी मेरे भाई बोला फिर भी भागी तो, मैं क्या तेरे से क्या लेती है, तूने पैसा दिया तेरे को प्रोडक्ट दे दिया काहे की टेंशन, नहीं कंपनी भागी तो। मैं क्या यार मान चलो कॉलगेट यूज करता तू, बोला हाँ। कॉलगेट कंपनी भागी, बोला हाँ। मैं तू पेप्सोडेंट ले आना, तेरा क्या लगी कंपनी, तूने पैसा दिया प्रोडक्ट आ गया, नहीं फिर भी कंपनी भागी तो। मैं क्या शादी होगी, बोला नहीं। मैं क्या कराना मत, बोला काहे को, भागी तो। अब बात करते हैं नेटवर्क इंडस्ट्री की। कब स्टार्ट हुई सर ये? 1934 में। एक एक लिखिए सर। यूएसए में न्यूट्रास्टिकल के नाम से 1934 में स्टार्ट हुई। क्या भाई जहां पे ऐसा पर्सन बैठा है जिसका 1934 में जन्म हुआ हो? नो। तो जो आपको बोलते हैं चलती नहीं है ना, उसको बोलिए कि जब तू धरती पे नहीं आया था जे जब भी चल रही थी तू चला जाएगा जे तब भी चलेगी। और जो बंदा आपको बोलता है कि कंपनी बाकी तो, उसको बोलिए भी तू लिख के दे, तू तो नहीं बाकी मेरे साथ साइन होके। हमारी कंपनी नहीं भागती, हमें प्रॉब्लम यह है कि हम लोगों को साइन करते हैं वो बीच में हमें छोड़ के चले जाते हैं। यस या नो? यस। नेक्स्ट, कनाडा में कब स्टार्ट हुई? ऑस्ट्रेलिया में, ब्रिटेन में, जर्मनी में, इंडिया में 1998 में इंडिया में स्टार्ट हुई। और उसके बाद पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव बनाने वाली इंडस्ट्री है, उसका नाम है नेटवर्क इंडस्ट्री सर। 62 लाख लोगों को अब तक पूरे वर्ल्ड में करोड़पति बना चुकी है। ओनली करोड़पति नहीं, 1 करोड़ नहीं, 2 करोड़, 4 करोड़, 100 करोड़, ऐसे भी लोग हैं 100 करोड़ जिन्होंने 200 करोड़, 500 करोड़ कमाया नेटवर्क इंडस्ट्री से। गूगल पे डाटा पड़ा है, चेक कर सकते हैं आप, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है। लेकिन बोले बंदा कुत्ता पाल ले बिल्ली पाल ले, गलत फहमी ना पाले, वो सबसे खतरनाक है। जो लोगों ने पाल रखे नेटवर्क इंडस्ट्री में कुछ नहीं है, मेरे कुत्ता बिल्ली पाल लीजिए अच्छी है, गलत में भी अपने ब्रेन मत रखिएगा। हेलो, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब देखो कितना आसान काम है। ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसका नाम है नोवास्टीन। इसके अंदर क्या है? साबुन। सब यूज करते हैं जी। yes. आप गूगल पे सर्च मारिए जाके, घर पे जाके, कि जो मैंगो स्टीन और एवोकाडो उसमें डाला गया है, ये कितना वंडरफुल प्रोडक्ट है, कितना बढ़िया इंग्रेडिएंट्स है, जाके सर्च मारिए। वर्ल्ड क्लास सब बना सर, ये वर्ल्ड क्लास। आप इसको यूज कीजिए, एक हफ्ते में आपका चेहरा बताएगा कि अच्छी चीज लगानी स्टार्ट कर दी। हम बोलते हैं कैटरीना कैफ मेरी सुंदरता का राज लक्ष्य देख के हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन चेहरे पे वही 12 बजे रहते हैं, उसका कुत्ता भी नहीं नहाता उससे। कैटरीना कैफ एक दिन नहा लेगी, उसको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है, स्ट्रेस हो जाएगा उसको। आपको लगता है कैटरीना कैफ भी लक्ष्य के साथ नहाती होगी? लगता है आपको? तो ये वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, इसको आप यूज करेंगे पता तब चलेगा। पहले मार्केट से यूज करते नहीं करते? yes. करते नहीं करते जी, करते हैं। अब जहां पे फिर एक सॉफ्टवेयर हमारा गलत डिजाइन किया हुआ है, कैसे? अब ये है वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, अब जहां बोलते हैं इसको यूज कर लो, पता क्या बोलेगा वो? ये तो महंगा है। अब वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट भैया, अच्छा जो प्रोडक्ट है उसकी तुलना उसी के साथ करें ना। आप मार्केट में इसमें मैंगोस्टीन डाला गया, एवोकाडो डाला गया, पता कीजिए रेट कितना कितना है। 650 रुपए तक की साबुन पड़ी है सर, 650 तक। हमारी तो बहुत सस्ती है, उससे 3 का पैक है 300 रुपए में। लेकिन फिर भी क्या बोलते हैं? ये तो महंगा है। मैं बोलता हूं भाई ऐसा कर, जो
जो तू साबुन ले रही थी ना यहाँ पे पैसे तो नहीं लगाए, वो पैसे बचा ले, बचाने के बाद उसको ना रेड का खमणी बांध दे उसके ऊपर, सिंदूर लगा के पेटी में सामने रखते, देखो जब इसके साथ करोड़पति बन जाएगी। अगर महंगा जूझ करने से आप करोड़पति बनते हैं तो कर लेना चाहिए। अगर ये महंगा जूझ करने से लॉस पड़ता तो सबसे ज्यादा कर्जा तो मेरे सिर पे होना था। बिजनेसमैन वाली थ्योरी लेके हैं सर, आप बिजनेसमैन यहां पे बनने आए हैं ना कि ओनली प्रोडक्ट यूज करने आए। और जो आम इंसान है वो पैसा वहां पे लगाता है जहां पे गलती से उसके घर में बाप से आ जाए, कहीं क्या करेगा भी शादी है भाई तू आना, शादी है बेटे की नहीं आएगा ना तो गुस्से हो जाऊंगा, ब्लॉक लिस्ट में नंबर डाल दूंगा ब्लॉक में, तब तक बरात नहीं जाएगी जब तक तू नहीं आएगा। ऐसे करके 400 लोगों को घर पे बुला लेते हैं, पकौड़े खिला लेते हैं, 5 लाख का कर्जा बेटे के सर पे चढ़ देते हैं, उसके बाद 6 मंथ के बाद उसको बोलते हैं लाख हो जाए तेरे सर पे 5 लाख का कर्जा तेरी शादी में चढ़ा था, छठ पे हो गया दादी शादी उसकी भाई, तो वहां पे पकौड़े कम खिला लो या साबुन यूज कर। और दूसरा कौन सा प्रोडक्ट है? एलोस्टीन। और यह टूथपेस्ट हमारी भाषा में 24 घंटे आपका फ्रेश रहेगा मुंह बिल्कुल। और जो ना आप यूज करते हैं पेस्ट उसे बोला जाता है इसमें नमक डाला गया, नमक 10 रुपए के जी नमक है, चमचा वैसे खा लो। इसमें डाला गया मैंगोस्टीन सर, माउथ का कैंसर नहीं होगा जिंदगी में कभी। और एलोवेरा डाला गया, इतिहास पढ़ के देखिए एलोवेरा मैंगोस्टीन है क्या, अगर बच्चा अंदर भी निकल जाएगा तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा इसका। और दो प्रोडक्ट जो यूज करके देखिए, मैं दोनों प्रोडक्ट की आपको गारंटी देता हूं, पहले आपका दिल खुले, सभी लोग ये दो प्रोडक्ट लें क्योंकि कई बार डिसीजन लेना मुश्किल होता है, कई लोग बहुत सारा कुछ सोचते हैं, ये दोनों प्रोडक्ट लेके जाए अच्छे लगे तो आप अगले प्रोडक्ट लेना, 54,000 की आईडी लगा लेना, अच्छे ना लगे मुझे फोन कर देना, 1 मिनट में गूगल पे बात कर दूंगा और प्रोडक्ट भी रख लेना, उसकी भी जरूरत नहीं है। मार्केट में जहां से आप ये कहते हैं उसको बोलिए भाई जी मैं पेस्ट लेके जा रहा हूं, अगर इसको खोल के अच्छा ना लगा बात कर सकता हूं, क्या बोलेगा? नहीं। मैं बोल रहा हूं सबको सर, क्योंकि हमें हमारे प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, डिमांड है, डिमांड जब जूझ करके पता तब चलेगा। नेक्स्ट अगला है हमारा एयर क्लींजर, और इसके अंदर ना अगर किसी घर में लड़ाई ज्यादा रहती हो ये यूज करना स्टार्ट करो, पूछिए क्यों, क्योंकि इसके अंदर बर्मी डाली गई है, बर्मी पता क्या करती है, 5 मिनट आप इसको 5 मिनट क्या 2 ही मिनट लगा के रख लेना नहाते टाइम पे, ये आपके ब्रेन के अंदर चली जाएगी, ठंडक महसूस करती है आपके ब्रेन को, लड़ाई खत्म हो जाएगी आपके घर से। हेलो होती है ना विश्वास। और ये जो प्रोडक्ट है हमारा इसमें डाला किया गया है मैंगोस्टीन, मैंगोस्टीन हमारा बेस है, सिक्का काई ब्रह्मी नेचुरल प्रोडक्ट डाला गया सारे सर इसमें, और कंडीशनर की जरूरत नहीं है इसको यूज करने के बाद, हल्का महसूस करेंगे आप बिल्कुल। नेक्स्ट अगला है हैंड वॉश, पहले भी यूज करते हैं अब यहां से ले लिया। नेक्स्ट अगला है प्रोटीन पाउडर, 75% जो लोग हैं इंडिया में वो प्रोटीन की डेफिशिएंसी उनमें सर, अगर आप चाहते हैं हेल्दी जिंदगी जीना हमारा रिनर सोवा के साथ ये प्रोटीन पाउडर एवरीडे खाइए, देखना आप क्या होता है, अगर किसी का 80 kg वेट है तो 8 ग्राम उसको डेली प्रोटीन पाउडर लेना चाहिए सर, खराक है हमारी वो नहीं, हम बोलते हैं भैया क्या कहां गए थे वो नकली गोडे पका के लेके आए क्यों प्रॉपर डाइट नहीं है, राइट? ये भी अल्टीमेट प्रोडक्ट है हमारा। नेक्स्ट रेनॉल्ड्स नोवा, इसके बारे में बता चुका हूं, रेट कितना है इसका, एमआरपी प्राइस 1794 रुपए, डीपी प्राइस कितना सर 1350, रिटेल प्रॉफिट कितना है 444, एक है इसके सीसी, सीसी का मतलब क्या है कॉमन करेंसी, क्योंकि हमारी कंपनी इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, 60 रुपए का 1 cc मानती है, अगर 1660 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 960, पैसा कितना देंगे हम 1350, कमीशन किसके ऊपर आएगा 960 के ऊपर, क्योंकि बाकी जो पैसा था जीएसटी में टीडीएस में चला गया, कंपनी की प्रोडक्ट कॉस्ट में
चला गया। अब हमारी कंपनी क्या बोलती है कि डायरेक्ट हमारे साथ जुड़िए। अब मार्केट में क्या होता है, जो आप प्रोडक्ट लेके आते हैं, हम क्या है जी कस्टमर, प्रोडक्ट कहां से लेके आते हैं, रिटेलर से, होलसेलर घर पे बनाते हैं, वो कहां से लेके आता है, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर से, वो कहां से लेके आता है, सीएलएफ से, वो कहां से लेके आता है, मैन्युफैक्चरर से। जो पहले की मार्केट है, 4 रुपए की आइटम तैयार होती है, आपको मिलती है कितने की, 10 रुपए की, 60% पैसा आपका कहां पे चला गया, मार्केट में। और जहां पे क्या है कि आप डायरेक्ट कंपनी से प्रोडक्ट लेंगे, 60% पैसा आपको मिल सकता है। आप अच्छा लगेगा प्रोडक्ट आके चार लोगों को बता दीजिए, इतनी काम है। फिर भी पता क्या बोलते लोग, सोच के बताएंगे, सोच के। मैं कहा तेरी जेब में पैसा पड़ना, सोचना भी चाहिए। जैसे लोग पहले पढ़ते पैसा मार्केट में, अरबों का हमने टर्नओवर कर दिया सर, अब करना क्या है? नेक्स्ट, हमारी आईडी कितने की है, मैक्सिमम कितने की आईडी है, 54,000 की। अगर आप एकदम जल्दी, अच्छा कितने दो स्पीड से पैसा कमाना चाहते हैं, स्पीड से, तो पहले स्पीड से पैसा देना पड़ेगा। जिंदगी में एक बार आपने 54,000 रुपया लगाना है। अगर स्पीड से कमाना है तो 54,000 के साथ स्टार्ट कीजिए, अगर स्लो कमाना आपकी मर्जी, 13,500 के साथ कर लीजिए, 20,000 के साथ कर लीजिए, 10,000 के साथ कर लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, राइट। एक बार एक इंसान था, उसको बेचारे को कब्जी हो जाती है, क्या हो जाता है जी, कब्जी। अब जब कब्जी हो जाती है, किसके पास जाता है वो, डॉक्टर के पास। भी डॉक्टर क्या करता है, अच्छी टैबलेट देता है, बेटा ये खा तो ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह सुबह फिर जाके डॉक्टर साहब बात बनी, डॉक्टर बोलता बेटा ये सिरप ले जा, इसके साथ ठीक हो जाएगा, इसको पी लेना। बोला ठीक है जी, दूसरे दिन वो सिरप पी लेते हैं, फिर जाते डॉक्टर साहब बात बनी नहीं। तीसरे दिन डॉक्टर बोलता है बड़ा चक्कर पड़ा हुआ इसको, तो इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, इंजेक्शन लगा देते हैं। अगले डे फिर सुबह चला जाता है डॉक्टर के पास, बात बनी नहीं। डॉक्टर बोलता है यार तू आज मेरे पास ही रह पूरा डे, बॉटल वगैरह लगाते हैं तेरे, इंजेक्शन डाल देंगे उसमें, अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं, दाखिल कर लेता उसको, पूरा डे रखता है, शाम को छुट्टी देता है। बोला बेटा टेंशन फ्री हो जा, तू कल तक ठीक हो जाएगा। चौथे दिन फिर जाता है डॉक्टर साहब, बात बनी बनी। डॉक्टर ऐसे मारता है मत्थे पे कि सारा ट्रीटमेंट मैंने कर लिया, ठीक ही नहीं हो रहा। डॉक्टर 2 मिनट सोचने के बाद पूछते हैं बेटा खाया क्या था? बोला 10 दिन हो गए खाया तो कुछ नहीं। तो अगर जल्दी से पैसा कमाना चाहते हैं तो पहले ये लगाना पड़ेगा, और जिंदगी में एक बार लगाना है सर, हम बार बार नहीं बोलेंगे। और जो पैसा लगाएंगे इसके बदले में 75,000 की कंपनी आपको प्रोडक्ट दे देगी, लगा क्या सर हमारा, हेलो लगा कुछ क्या? और बिजनेसमैन वाली थ्योरी लेके आनी है ना, तो सोचना सही तरीके से। 54,000 से हम करोड़पति अगर बनना चाहते हैं, मार्केट में क्या कर सकते हैं 54,000 से? रेडी लगती सर 54,000 में लगती है क्या? अब अगर 40 प्रोडक्ट आप लेंगे रिमेड सनोवा तो 54,000 के, अगर हम मिक्स प्रोडक्ट लेंगे तो 640 cc कंप्लीट करने हैं, हो सकता है 640 cc 60,000 के साथ कंप्लीट हो जाए, हो सकता है मैक्सिमम 65,000 के साथ कंप्लीट हो जाए, राइट। अब आपने जिंदगी में एक बार ये सीसी कंप्लीट कर लिए तो आप 16% के लेने हकदार हो जाते हैं, मैक्सिमम कमीशन लेने के हकदार हो जाते हैं। अब करना क्या है, अब सुनना ध्यान से, 5 मिनट और लगाऊंगा बस, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखिए आपने कितने प्रोडक्ट लिए, मान के चलो, मान गए क्या सभी? इतने शाम तो मारने वाले नहीं यार, अब गेट से बाहर जाएंगे ना ऊपरी हवा लग जाएगी आपको। मानिए क्या? यस मोरिया साहब, किसी को छोड़ना मत जो नहीं आया है, सबसे 54,000 की पर्ची सभी मान गए। देखो मैंने बना दिया सभी, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पक्का डन है सर। ठीक, मान के चलो कि आपने 40 प्रोडक्ट, मान के चलो सर आपको मैथ के टीचर ने बोला मान लो, और आपने मान लिया, कहां पहुंच गए मान के? हेलो, अब मेरी बात मान के देखो, आने वाले 2 साल में करोड़पति नाम है तो मुझे बोल देना। आपने 40 प्रोडक्ट ले लिए मान के चलो, अब आपने कितने लोगों को जोड़ना है, 1% लेफ्ट में, 1% राइट में। ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, यस, सबसे 2% जोड़ना, यस या नो?
और ये जहां से ये भी पता चल जाता है कि बंदे के अंदर दम कितने हैं, क्योंकि एक मुर्दा ना चार के बिना नहीं जाता। अगर जिंदा दो नहीं लेके आ सकता, मुर्दे से भी बदतर है। फिर भी आसान कर देता हूं, आसान करूंगा करूंगा। मान के चलो आपने ये बड़ा पर्सन जोड़ना है लेफ्ट में, अब आपने जो नुकसान आपको बताने जा रहा हूं घर से बाहर निकल के यूज करना, घर के अंदर यूज मत करना। क्या करना है, घर से गेट से बाहर आके साढ़ा सात को फोन लगाना है भी 54,000 रुपए खाते में डाल दें, सामान वापस कर दूंगा। और जिनके साला साहब है वो गाड़ियां मार रहे हैं, जिनकी शादी में बोले भूखे करे वो बाप के साले को पकड़ ले। एक बंदा तो मिल गया जी, टेंशन खत्म। अगर घर के अंदर आप ये बात बोलेंगे तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बेल आ सकता। अब दूसरा पर्सन किसको लगा रहा है, दीदी के पास जाओ। दीदी हमारे घर में तो तेरी बहुत ज्यादा मानते थे, अब मैं देखने आया हूं ससुराल में कितनी चलती है, तेरे बोलने पे जीजा जी कुछ करते हैं या नहीं, राइट। दीदी एक 54,000 की आईडी लगा दे, जीजा जी तेरी बात तो मोड़ेंगे नहीं, बोनी हो जाएगी। मैं चाहता हूँ तेरे से बोनी करके ना, मैं तेरे को लक्की समझू ना बचपन से, तेरे से बोनी करके मैं काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक साइड जीजा को जोड़ दीजिए, एक साइड साला को जोड़ दीजिए। और यही फार्मूला इनको सिखा दीजिए, एक जीजों की लैंड एक साला की। अगर आप चलेंगे समझाने के चक्कर में, ये पैक चलेंगे इतने परसेंट आएगा, ये पैक चलेंगे इतने परसेंट आएगा, ये पैक चलेंगे इतने परसेंट आएगा, आप लोगों को समझाने जाएंगे, लोग आपको ऐसा समझाएंगे, आपको मैं ढूंढूंगा गूगल पे सर्च मार के, आप मिलने वाले नहीं है। गर्दन पकड़ के लगाना सर, गर्दन, जैसे बोलते ना शादी में नहीं आएगा तो बरात नहीं चलूंगा, बोलना भाई तेरे से बोनी करनी है बोनी, अगर तू ही नहीं लगेगा तो मेरी तो दुकान आज ही बंद हो जाएगी, तू तो खास बंदा मेरा, ना साले को छोड़ना ना बाप के साले को छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना, क्योंकि इनको लगाने के बाद फिर आपका पे आउट आएगा, फिर पे आउट आने के बाद फिर आप समझाने के लायक होंगे। हमें क्या लगता है हम उन्हीं को लगाएंगे जिनको मान के तो आगे काम करना है, जब जेब से पैसा निकल जाता है हर किसी को काम करना है। और हर कोई बंदा एक ही बात बोलेगा आपको, पता क्या बोलेगा, मैं तो लगा दूंगा। अगर अगले ने काम ना किया तो उसको बोलना तू अपने लगा, कोई बात नहीं आगे देखना होता क्या है। अब जाएंगे आप अगले के पास, वो बताएगा मैं तो लगा दूंगा, अगले ने काम ना किया तो उसको बोलना तू अपने लगा, कोई बात नहीं। जब वो अगले के पास जाएगा बोला मैं तो लगा दूंगा ना, अगले ने काम ना किया तो, ये सुनते सुनते मैं लाखों लोग जोड़ दिया, आज यही बोल रहे हैं मैं तो लगा दूंगा, तू लगा। बाकी बाद में देखेंगे। अब देखो आपने कितने लोगों को जोड़ा, दो को। अब अगली बात काम की बताने जा रहा हूं कि दो बंदे काम करने वाले आपको 10 लोगों को जोड़ेंगे, 10 में से दो काम करने वाले मिल जाएंगे। पहले दो भी आ सकते हैं और लास्ट वाले दो भी आ सकते हैं, बीच में दो भी आ सकते हैं, दो मिल जाएंगे पक्का। यस या नो? यस। अब आपको कितना पैसा आएगा, पहले कहां पे जाता था, मार्केट में, अब किसकी जेब में पड़ा, हमारी जेब। 60% पैसा हमारे में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो 16% आपको आ गया, कितना गया मान चलो 5,000। अब आगे यही फार्मूला उन्होंने किया, दो दो को जोड़ा, अब 5,000 इसको, 5,000 इसको, आपको कितना आ गया, 10,000। समझा गया सर? यस। अब यहां पे मैं एक बात पूछना चाहता हूं, आप कोई भी काम करें दुनिया का, आपके काम करने से आपको पैसा आता है, लेकिन जिसको आपने काम सिखाया था वो अपनी दुकान कर लेता है फिर आपको पैसा आता है? नो। आता क्या सर? नो सर। हम पूरे अलग अलग होके काम कर रहे हैं, अलग अलग, ये अपना काम कर रहे हैं, मान चलो मार्केट में ट्रेडिशनल मार्केट की बात कर रहा हूं, ये अपना कर रहे हैं, हमारा उसमें किसी के साथ कोई लेन देन नहीं है। जब एकजुट होके काम करते हैं उसी को नेटवर्क बोलते हैं, जैसे हम शायद खाते हैं, उनको भी कितना मालूम है कि यार एक साथ छत्ता लगाएंगे सभी मधुमक्खियां एक साथ इकट्ठा हो जाती हैं तो शायद बढ़ जाता है। अगर वो बोले मैं तो इस साइड में छत्ता लगाऊंगी, दूसरी बोले मैं उस साइड में लगाऊंगी, शायद बढ़ेगा क्या? नहीं। वही आप कर रहे हैं।
हेलो अब हम एकजुट होकर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दो पर्सन इन्होंने जोड़ दिए राइट, अब इनको पांच आपको कितना आया? दस हजार। अच्छा दो पर्सन जोड़ने की मुश्किल है क्या? नो, जब जोड़ेंगे पता तब चले। मार्केट में सियाने बहुत है ना, गणेश सियाने लोग बैठे हैं मार्केट में, पता नहीं अजीब को गरीब आपको क्वेश्चन करेंगे, लेकिन जब सीख जाएंगे जुड़ जाएंगे, सीनियर को साथ लेके चले जाना जुड़ जाएंगे। बहुत सियाने बैठे हैं। एक घर में शादी थी और शादी के टाइम पे गांव में शादी थी, पहले गांव में परंपरा क्या होती थी, बिगर की दारू निकालेंगे, होती थी डोल डालने की। तो उनके घर में जो लेडीज थी उन्होंने बोला यार हम उसको बुलाते हैं सियाने को, होता था ना, सियाने को बुला लिया। और दूसरे जो घर वाले लड़के शरारत थे उन्होंने बोला सियाना आएगा हमारे घर पे, बोले करना क्या भी सारी लेडीज बिजी होंगी राइट, हम अपने जो दारू डाल लिए चुपचाप उसको डाल लिए। तो वो अपना काम स्टार्ट कर देते हैं, उधर से आ जाती है पुलिस, जब पुलिस आती है मोटर बजता है वो दारू को छोड़ के भाग जाता है, भाग जाता है। अब पुलिस वाले जब अंदर आते हैं सियाना तो अंदर ही बैठे हैं, सियाने को पकड़ लेते हैं। वो बोलता है मैं तो सियाना हूं, पुलिस वाले बोलते तो सियाने से बोलते भाग गए तू कहां का सियाना। तो मार्केट में सियाने बैठे हैं उनको तंग करेंगे आप, उनसे बचना राइट। अब दो लोगों को ये जोड़ते हैं तो आपको कितना आएगा? 20,000। एक पेयर का 5,000 आता है, 54,000 के साथ बंदा जुटता है। अब चार पेयर हो जाते हैं, अभी चार पर्सन लेफ्ट में चार पर्सन राइट में, कितने पेयर हो गए जी? चार। एक का कितना आता है? पांच। पांच इंटू चार कितना आ गया? 20,000। और चौथे मंथ में 8 पेयर हो जाते हैं, कितना आ जाएगा आपको? 40,000। और पांचवे मंथ में 16 पेयर हो जाते हैं, कितना आ जाएगा आपको? 80,000। और सातवें मंथ में 6,40,000। और नौवे मंथ में आ जाएगा 12,80,000। और दसवें मंथ में आ जाएगा, समझ में आ रहा है सर? अच्छा कितना आसान काम है, दो लोगों को जोड़ना है। वो बता दिया कि जीजा को जोड़ी, एक साला को जोड़ी। हाँ जी। पूरे इंडिया में जीजा साला घूम रहे हैं। कितना आसान काम है सर, कोई मुश्किल काम है ये? लेकिन अगर समझाने के चक्कर में पड़ गए तो लोग आपको समझा देंगे। गर्दन पकड़ के जोड़ना है धक्के से। दसवें मंथ में कितना आएगा? 50,00,000। ग्यारहवें मंथ में दो को वो जोड़ते हैं, कितना आएगा? 1 करोड़। तो एक साल में कितना आ जाएगा? 2 करोड़। 50,00,000 के करीब आ जाएगा सर। अब ये 100% नंबर आप लेके जाते हैं तो पहले साल में 2.5 करोड़। मैंने पहले साल में 2.25 करोड़ कमाया था सर, स्टेटमेंट दिखा सकता हूं आपको पहले साल। और अगर आप 10% भी नंबर ले जाते हैं, 2.5 करोड़ का 10% कितना होता है? 25,00,000। कम है क्या पहले साल? अगर 5% भी नंबर ले जाते हैं तो भी कितना जाएगा? 12,30,000। मैं कहता 2.5% भी नंबर ले जाते हैं तो भी 50,000 रुपए एक मंथ की एवरेज पड़ेगी आपकी सर 2.5% में। कितना आसान काम है, समझ में आया? Yes. काम आसान है लेकिन 80% इसमें आपका कॉन्फिडेंस काम करता है सर। लोग आपके प्लान को देख के नहीं आते, प्रोडक्ट को देख के नहीं आते, आपके कॉन्फिडेंस को देख के आते हैं। जब तक आपको ये लगेगा कि अगर ये पर्सन साइन हो गया ना तो मैं कामयाब हो जाऊंगा, तब तक कामयाब ही नहीं है। जब इसको ये लगेगा कि अगर इसके साथ मैं साइन हो जाऊंगा कि मैं कामयाब हो जाऊंगा, ये नहीं बोलना आपने कि पता क्या लोग बोलते हैं जब साइन होते हैं, अगर एक साइड में ये अच्छा इंसान आ जाता है, एक साइड में ये अच्छा इंसान हो गया तो मेरी चांदी बन जाएगी। अबे नखट्टू बहुत अच्छे हैं, तू क्या है? हेलो, तू क्या है? अच्छा खुद को बनना पड़ेगा राइट। काम आसान है और इसके अंदर 33 करोड़ के रिवार्ड है, अवार्ड है। 4 आपको इंडिया के टूर मिलते हैं, 2 आपको एक साल में फॉरेन के टूर मिलते हैं राइट। बहुत कुछ है, ये आपको हिंट दिया मैंने। क्या दिया? हिंट। अब लास्ट में एक स्टोरी के द्वारा मैं अपनी स्पीच को क्लोज करूंगा और हो सकता है कि मेरी बातों से किसी दोस्त को कोई बुरी बात लगी तो हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूं। मेरा काम आपका दिल दुखाना नहीं था, मेरा काम था आपको इसके बारे में, सिस्टम के बारे में समझाना। हो सकता है कि मैं 80% समझाने में कामयाब हो चुका हूं राइट। जिनको समझा चुका वो ताड़ियां मार सकते हैं। थैंक यू।
और स्टोरी के द्वारा एक छोटी सी स्टोरी है, एक मिनट की, उसके बाद हम फ्री होते हैं। बोले एक गांव में एक संत जी आ जाते हैं और संत जी पहले भविष्यवाणी कर देते थे भी किसकी जिंदगी में क्या होने वाला है। और जो दो शरारती लड़के थे उस गांव में, वो बोले यार ये संत है ना, इसकी भविष्यवाणी हम फेल करेंगे। तो दूसरा बोला यार फेल कैसे करेगा, बोला मैं कोई लगाता हूं स्कीम। बोला क्या स्कीम लगाएगा, तो उसने बोला कि यार मैं चिड़िया पकड़ूंगा और चिड़िया अपने ऐसे बैग में हाथ कर लूंगा और बाबा से हम जाके पूछेंगे कि हमारे हाथ में क्या है, वो नहीं बता पाएगा। तो उसका जो दूसरा साथी बोलता अगर बता दिया तो, बोला अगर बता दिया तो मैं ये पूछूंगा कि चिड़िया का कलर कौन सा है। बोला फिर कलर नहीं बता पाएगा बाबा। तो दूसरा साथी बोला अगर ये भी बता दिया तो, बोला जो मैं तीसरी बात पूछूंगा ना उसमें तो संत जी फंसी जाएंगे। बोला क्या, मैं वो पूछूंगा जो चिड़िया है वो मेरे हाथ में पकड़ी है उसके गल पे गुफा होगा, मैं पूछूंगा चिड़िया जिंदा है, अगर संत जी बोलेंगे नहीं मरी हुई है तो मैं छोड़ दूंगा, अगर उसने बोला जिंदा है तो मैं गला दबा दूंगा बोलूंगा मरी हुई। बोला यहां पे संत पास जाएगा, संत के पास जाते हैं पूछते हैं संत जी हमारे हाथ में क्या है। बोले बेटा चिड़िया है, कलर कौन सा है, संत जी कलर बता देते हैं। अच्छा अब ये बताइए चिड़िया जिंदा है या मरी हुई है, संत जी बोले भैया आपके हाथ में है, मारनी है मार दो। तो वही चिड़िया आज मैं आपके हाथ में देके चला गया, अगर आपको लगे ये काम चलने वाला नहीं आज ही गल उठा दे दो उसको, अगर जिंदा रखनी है तो जिंदा रख लो, आपके ऊपर है। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आपका।